तो चलिए अब चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए 22 जून से 23 जून तक का जो सप्ताह है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले देखिए 22 जून की जो स्थिति है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो चंद्रमा मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे, मिथुन राशि में ही आपके दशम भाव में ट्रांजिट करेंगे, जिसकी वजह से आपको अपना जो जॉब है उसको लेकर ज्यादा चिंता रहेगी। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी सी मानसिक परेशानी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर राहु के आगोश में रहेंगे, जिसकी वजह से थोड़ी मानसिक तकलीफ हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है। बाकी स्थितियाँ आपके लिए काफी अच्छी रहेंगी। फोर्थ हाउस पर भी चंद्रमा का एस्पेक्ट होने से आपको घर में एक शांति वाला माहौल देखने को मिलेगा, जिसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, और ये कहीं ना कहीं आपकी माता जी को भी एक सुकून देगा। तो कुल मिलाकर ये जो दिन है वो ठीक ठाक रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए 23 और 24 जून को, तो इस दौरान चंद्रमा की स्थिति आपके कर्क राशि में रहेगी। ये लाभ भाव का यहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और स्वराशि में भी रहेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। इस दौरान दोस्तों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई के साथ जो रिलेशन्स हैं आपके उनको अब अच्छा करने का समय है। साथ ही ये समय आपके लिए एजुकेशन, संतान या प्रेम संबंधों को लेकर भी काफी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर जो 23 और 24 जून वाली स्थिति है उसमें आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, या उसमें आप ज्यादातर जो काम करेंगे उसमें आप धन के बारे में सोचेंगे। इसके बाद जो सिंह राशि में चंद्रमा की स्थिति रहेगी 25 और 26 को, 25 और 26 जून को चंद्रमा आपके राशि स्थान से 12वें भाव में रहेंगे। 12वें भाव में रहने से स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, आपको स्वास्थ्य की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कहीं आप बीमार पड़ जाएं और हॉस्पिटल जाना पड़े, थोड़ा बहुत खर्चा स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है। कॉन्फिडेंस आपका कम रहेगा, आपको रात्रि को सोते समय नींद अच्छी तरह से ना आए ऐसी समस्या बन सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है चंद्रमा की वो अच्छी नहीं कही जा सकती आपके लिए। 12वें भाव का चंद्रमा कहीं ना कहीं पैसे का भी ये आपके लिए खर्चा ज्यादा करवा सकता है। उसके बाद जो कन्या राशि में इनकी स्थिति रहेगी आपके राशि स्थान में, ये स्थिति 27 और 28 जून को रहेगी। 27 और 28 जून को चंद्रमा राशि स्थान में रहने से आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। यहाँ पर चंद्रमा के होने से आपका मन थोड़ा भावुक रहेगा। इसके अलावा आपके पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस अगर आप करते हैं तो कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है, आपके जो संबंध है मैरिड लाइफ यानी आपकी, तो वो आपकी काफी अच्छी रहेगी। आपका जो स्पाउस है वो काफी भावुक हो सकता है, तो इस दौरान थोड़ा सा आप दिमाग से सोचें ना कि दिल से, आप हर बात को दिल पर लेंगे जिससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो समय है आपके लिए अंतिम दिनों का, ये थोड़ा सा दिमाग से काम ना लेकर थोड़ी भावनाओं में बहने वाला जो समय है वो हो सकता है। तो कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें जिसमें आप भावनाओं में बह जाएं या किसी लालच में आ जाएं। इन 2 दिनों में आप अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे, पिछले कुछ दिनों से आपने जो गलतियां करी हैं उनको आप ठीक करेंगे, साथ ही स्वास्थ्य में अब आपके सुधार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा समय आपके लिए रहेगा। इसके बाद 29 और 30 जून की अगर बात की जाए तो चंद्रमा आपके राशि स्थान से दूसरे रहेंगे, यानी दूसरे भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि में गोचर आपके लिए धन संबंधी मामलों को लेकर अच्छा रहेगा, फैमिली के साथ आपके संबंध काफी अच्छे रहेंगे, फैमिली के सदस्यों का आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई ऐसा फील्ड जहां पर आपको बोलकर काम करना पड़ रहा हो, यानी आपका ज्यादातर काम या तो कंसल्टेशन का हो सकता है, या कोई ऐसा जॉब करते हो जहां पे आपको बोलना ज्यादा पड़ता है, तो उसमें आपके लिए काफी अच्छा ये समय काम आएगा। इसके साथ ही आपको अपनी सेहत को लेके भी थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, विशेषकर खाने पीने की जो आदतें हैं आपकी उनको लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। सेकेंड हाउस से हम अपनी खान पान की आदतों का विचार करते हैं। तो फिलहाल का जो समय है उसमें देखिए थोड़ा गर्म समय है, ये गर्मियां हैं और इसमें स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल आप रखिए।
साथ ही इस सप्ताह में आप लोगों के लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 8, और आपके लिए जो सबसे अच्छा शुभ जो रंग है, कलर है, वो रहेगा ब्लू। तो फिलहाल बस साप्ताहिक राशिफल में इतना ही।